हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल क्लासरूम 2.0। सो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपका फ़ोन लो एंड डिवाइस है, यानी कि आपके फ़ोन में जो रैम है वो कम है, तो आप कुछ ट्रिक करके कैसे अपने फ़ोन की जो रैम है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से मेथड को समझते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने रिकॉर्डिंग स्क्रीन की तरफ। अब आपको यहाँ पर देखिए मेरा रिकॉर्डिंग स्क्रीन मिलेगा। अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल वही सेटिंग अपने फ़ोन पे करनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग करनी है, क्योंकि उस सेटिंग को ऑन करने के बाद ही आपका फ़ोन में ये बाकी रैम जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए पहले आपको सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। ये वाली सेटिंग सभी के फ़ोन में होती है, पर वो हाइड होती है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन की आप सेटिंग पे जाइए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा अपने फ़ोन का बिल्ट नंबर। तो दोस्तों, अगर बिल्ट नंबर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके दो ऑप्शन है, आप सीधे वहां चले जाइए। और सबसे ईजी ऑप्शन होता है कि आप देखो सेटिंग में जाके ना यहाँ पर आप सर्च करना बिल्ट नंबर। तो आप देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर बिल्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो आ गया है, और इसके ऊपर आपने 7 टाइम को टैप करना है, जिससे कि आपका एक ऑप्शन होता है जिसको डेवलपर ऑप्शन बोलते हैं, वो इनेबल हो जाएगा। तो मैं आपके सामने इसको टैप करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम। आप इसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर नाउ अ डेवलपर। अब हमारे फ़ोन में जो है डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। उसके बाद आपने बैक करना है, और जो वो ऑप्शन खुला है ना उसको ढूंढना है। तो बेसिकली वो हर फोन में कहाँ मिलेगा, सेटिंग के अंदर एक सिस्टम नाम का एक सेटिंग होगी, उसके अंदर आप जाएंगे, फिर आप उसको नीचे कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, सिस्टम के अंदर ही ये होता है। तो आपने उसको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब देखो, यहाँ पर मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो रखा है। तो अगर आपका ऑफ है तो आप भी उसे ऑन कर लीजिए। बस ये जितनी भी सेटिंग्स हैं रैम बढ़ाने की, वो इसी के अंदर आपको मिलेंगी। पर ध्यान रखिएगा, जो जो सेटिंग मैं बोल रहा हूँ आपने वही करना है। इसके अलावा अगर आप करते हैं तो आपका फ़ोन में देखो प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, कोई भी फालतू की सेटिंग को ऑन नहीं करना है इस डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो देखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसा करो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नीचे करना है स्क्रॉल करके, और देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा Force 4X MAA। तो देखो ये मिलेगा आपको यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आप नीचे करते रहोगे तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम है Force 4X MSAA। ठीक है, तो ये आपके फ़ोन में पहले से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। तो आपने इसको ऑन कर देना है। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है, यानी कि रैम है, वो बिल्कुल जितना आपका फ़ोन का रैम है वो उससे ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो पहले सेटिंग आपने क्या करना है, Force 4X MSAA, इस वाली सेटिंग को आपने डेवलपर ऑप्शन के अंदर ऑन कर देना है। ठीक है, अभी आप बैक आ जाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दूसरी सेटिंग की तरफ जाना है। अब नेक्स्ट सेटिंग की अगर बात करें तो वो भी डेवलपर ऑप्शन के अंदर आता है। डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग के अंदर ही आप नीचे करना, तो वहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो देखो दोस्तों, इसको आप क्लिक करना तो यहाँ पर पहले से क्या होगा, स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो क्या होता है, सेट होता है। तो देखो ये क्या होता है कि बैकग्राउंड में आपके बहुत सारे ऐप वगैरह ही चलते ही रहते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से आता है। पर देखो, अगर आपके फ़ोन में रैम जो है कम है और आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स वगैरह चलेंगे, तो ना आपका फ़ोन ऑलरेडी क्या स्लो प्रोसेसिंग करेगा। तो आपने क्या करना है, जो पहला ऑप्शन है ना @most 1 process, आपने इसको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप इसको क्लिक कर देना, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके फ़ोन में ना फालतू के रात के समय जब आप फ़ोन बंद भी कर देते हो तो बहुत सारे ऐप्स चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें चलता रहता है। तो उसको भूलकर भी क्या, उसको वैसा बाय डिफॉल्ट मत रखिए, जो सेटिंग मैंने बताया है @most 1 process आपने इसको क्या सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए आपका फोन जो है काफी हद तक इनहेंस होएगा, और आपके फोन की जो रैम है वो कहीं ना कहीं देखो बहुत ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेगी। ओके, अभी दो सेटिंग आपने कर लिया है, अब हम तीसरी और लास्ट सेटिंग की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना है, आपको बैक आना है, यानी कि डेवलपर ऑप्शन से आप बाहर आ जाना और सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना, जो आप यहाँ पर आपके फ़ोन की सेटिंग्स हैं। आप नीचे कर रहे ना, तो आप वहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम का, सबके फ़ोनों में अलग अलग होता है, आप ढूंढ लेना। तो सिस्टम वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप टैप कर दो। टैप करने के बाद देखो क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे करना, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, लैंग्वेज एंड इनपुट, गेस्चर, रीजन। देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, ये एक ऑप्शन आया है मेमोरी एक्सटेंशन, ये इस नाम से भी होगा, किसी किसी फ़ोन में ये मेमोरी बूस्टर के नाम से भी होगा। तो मेरे फ़ोन में देखो ये मेमोरी एक्सटेंशन के नाम से, मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये पूरा एक जगह है, हिडन होता है ये। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ 0.5 GB, 1 GB, 2 GB। तो आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग ये 4 GB तक भी इनहेंस हो सकता है। तो जैसे मेरा फ़ोन थोड़ा सा लो एंड का फ़ोन है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि
जितना मेरे फ़ोन में जो रैम है, यानी कि मेरे फ़ोन में अभी इस समय 4GB रैम है, तो ये क्या करेगा, उसको 2GB जो है और इनहेंस कर देगा। तो आई थिंक 2GB अगर बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा सही है। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एक पॉपअप आ गया, वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रीबूट योर डिवाइस अप्लाई चेंजेस, मतलब आपका फ़ोन को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर ये जो 2GB रैम है इसके अकॉर्डिंग, मेरे फ़ोन के अकॉर्डिंग वो बढ़ जाएगी। आप अपने अनुसार वहाँ चुन लीजिएगा आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग जो भी शो करेगा। तो अगर मैं रीबूट कर दूंगा तो मेरा फ़ोन जो है वो रीबूट होगा और उसके बाद ये वाली सेटिंग जो है इसमें अप्लाई हो जाएगी। भाई लोग ये 3 सेटिंगें मैंने आपको बताई हैं, मुझे उम्मीद है आप इसको करेंगे और डेफिनेटली आपका जो लो एंड का फ़ोन है उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, उसके ऊपर मैं एक आंसरिंग वीडियो बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, अपने भाई को आज्ञा दीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।